गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 9, दैट इज फोर्स वर्क एंड एनर्जी ऑफ क्लास 5th फ्रॉम कोर्डोवा साइंस. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 83. टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट्स आर अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड, वो अर्थ का वो फोर्स जिसकी वजह से जो सारे ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे अवेलेबल वो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं. आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको और हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाई रबिंग थिंग्स विद ईच अदर इज कॉल्ड, वो फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रगड़ने पे रब करने पे प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं. द आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. थर्ड, विच ऑफ दीज स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्लो करता है और एट लास्ट जाके ऑब्जेक्ट रुक जाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन ग्रेविटी, सेकेंड मैग्नेटिक फोर्स एंड लास्ट थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट, अगेन टेक द करेक्ट आंसर्स. पेज नंबर 85. फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर्क इज सेट टू बी डन, जो नीचे एक्टिविटीज दी गई है इसमें किस में कहा जाएगा कि वर्क किया गया है. फर्स्ट स्लीपिंग, सेकेंड ईटिंग, थर्ड प्लेइंग फुटबॉल. तो स्लीपिंग और ईटिंग ऐसा वर्क है जिसमें ना ही किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो रहा है, ना ही किसी के साइज में चेंज हो रहा है फोर्स लगाने पे. तो ये क्या है, वर्क यहाँ पे नहीं हुआ है. बट सी वाला जो ऑप्शन है उसमें प्लेइंग फुटबॉल है, मीन्स जो फुटबॉल है उसको जब किक करते हैं, प्लेयर किक करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसका स्पीड चेंज होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लेइंग फुटबॉल. सेकेंड, द एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड, काम करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनर्जी. थर्ड, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको क्या कहते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर बी, साइंस क्विज. नेम टू सिंपल मशीन्स. आई रोट सीजर एंड स्क्रू, बट यू कैन राइट एनी ऑफ टू सिंपल मशीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लीवर. सेकेंड क्लास लीवर के दो एग्जाम्पल लिखने हैं. सेकेंड क्लास लीवर कौन से होते हैं, जिसमें लोड, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है. तो आंसर इज नट क्रैकर एंड बॉटल ओपनर. यू कैन रेफर द बुक टू राइट अनदर आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सी, टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, इन लीवर द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, लीवर में जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, एफर्ट लगाया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं. लीवर में 3 टर्म्स होती हैं, लोड, एफर्ट और फल्क्रम. तो जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोड. एफर्ट किसको कहते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं उसको एफर्ट कहते हैं. और फल्क्रम किसको कहते हैं, जहाँ से लीवर टर्न होता है. सेकेंड, अ वी शेप सिंपल मशीन इज कॉल्ड, वी शेप सिंपल मशीन को क्या कहते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेज. थर्ड, अ बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बॉटल ओपनर किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी इंक्लाइन प्लेन एंड सी वेज. एज वी ऑल नो दैट बॉटल ओपनर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लीवर, बिकॉज बॉटल ओपनर हैज 3 पार्ट्स, लोड,
एफर्ट एंड फलक्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स. अर्थ्स डैश कीपर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड. अर्थ की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमें अर्थ ग्राउंड के से अट्रैक्ट रखती है, अट्रैक्ट ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करती है. द आंसर इज ग्रेविटी. नेक्स्ट, फ्रिक्शन मेक्स इट डैश टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस द फ्लोर. क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से, क्या होता है मतलब फ्रिक्शन की वजह से हम जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम फ्लोर पे स्लाइड करना चाहते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इजी होता है उनको स्लाइड करना या हार्ड होता है? द आंसर इज हार्ड. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मूवमेंट को स्लो डाउन करता है. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश क्लास लीवर. पेयर ऑफ सीजर किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें क्या होता है, फलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में होता है. फोर्थ, डैश इज यूज टू स्प्लिट और कट वुड. किसका यूज किया जाता है वुड को कट करने में? द आंसर इज वेज. फिफ्थ, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसकी एनर्जी जो उसमें प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी. और अगर यहाँ पे ऑप्शन होता, क्वेश्चन होता है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, देन आंसर क्या होता हमारा? काइनेटिक एनर्जी. बट इन दिस केस द आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट सेकेंड क्लास लीवर, द आंसर इज नट क्रैकर. व्हील एंड एक्सल, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार स्टीयरिंग. इंक्लाइन प्लेन, ऑप्शन नंबर ए, अ स्लोपिंग प्लेन. स्क्रू, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्रू जैक. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर एफ, फर्स्ट नेम द फोर्स दैट हेल्प अस टू वॉक. वो फोर्स जो हमें वॉक करने में हेल्प करता है, द आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, स्लिप करके गिरने लगेंगे. नेक्स्ट, नेम अ डिवाइस दैट यूजेस सोलर एनर्जी. द आंसर इज सोलर कुकर. एंड यू कैन राइट एनी अदर आंसर्स ऑल्सो. नेक्स्ट, थर्ड, नेम टू थर्ड क्लास लीवर्स. थर्ड क्लास लीवर के दो एग्जाम्पल देने हैं. द आंसर इज आइस टॉन्ग्स एंड स्टेपल मशीन. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट एनी अदर आंसर. नेक्स्ट, नेम अ मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यू कैन राइट एनी आंसर, एनी मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आई रोट हेयर फैन, बट यू कैन राइट टेलीविजन, कंप्यूटर एंड मैनी मोर. Okay class, this is all about your exercises of this chapter, that is chapter number 9. Watch this video carefully and fill your book with the help of this video. Thank you class.